10 जनवरी के दिन पठान फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया, मैं उसी दिन आप लोग को अपडेट दे के जानकारी दे दिया था कि पठान फिल्म का जो ट्रेलर है दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया जाने वाला है, जिसको लेकर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई आखिरकार फेक रिपोर्ट नहीं दो, रिपोर्ट है तो आखिरकार प्रूफ दो। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो भी सूत्रों से रिपोर्ट जब सामने आते हैं तो उसका कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नहीं होता है, मैं उसका प्रूफ नहीं दिखा सकता हूं, बट जो क्लियर रिपोर्ट आता है मैं आप लोग को अपडेट देके जानकारी दे देता हूं। तो फाइनली आप लोग को मैं दिखा देना चाहूंगा अपने स्क्रीन पर, YRF की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी गई है कि पठान फिल्म का जो ट्रेलर है वो अब बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया जाने वाला है, जिसको लेकर फाइनल प्रूफ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर। जी हाँ, अगर नहीं होता है तो आप लोग जाके YRF के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पे जाके कम्युनिटी में चेक कर ले, या ट्विटर हैंडल पर जाके आप लोग वहां पर भी चेक कर सकते हैं। YRF की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, यहां तक कि ट्रेंड भी चल रहा है हैशटैग बुर्ज खलीफा पठान ट्रेलर। वहीं आप लोग को बताना चाहूंगा कि दुबई में फिर से बजने वाले हैं शाहरुख खान का डंका, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर देखने को मिलने वाली है पठान फिल्म का ट्रेलर। फैंस जानकर बहुत ही ज्यादा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश है। अब तक की सबसे बहुत ही लेटेस्ट खबर सामने आई है, दुबई की फेमस बुर्ज खलीफा पर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाने वाला है। इस खबर के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान का और भी ज्यादा शोभा बढ़ गया है, 4 चांद लग गए हैं। दुबई के स्टेडियम में खड़े शाहरुख खान का वीडियो कई सारे वायरल हो रही है, जो स्टेडियम में उन्होंने शाहरुख खान ने पठान फिल्म से रिलेटेड उन्होंने एक डायलॉग भी बोला, वो भी अपडेट मैंने आप लोग को पहले अपडेट ही देकर जानकारी दे दिया। वहीं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अब बुर्ज खलीफा पर जो पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा वो वीडियोज भी सामने आएंगे, फोटोज भी सामने आएंगे, उसके बारे में भी आप लोग को लगातार मैं अपडेट दूंगा कि जो आखिरकार जैसे ही वो वीडियो आएगा मैं आप लोग को वीडियो भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे बुर्ज खलीफा पर पठान फिल्म के ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, वहां के पब्लिक में किस तरह की माहौल होगा वो चीज दिखाऊंगा। और मैं आप लोग को लाइव दिखाया हूं किस तरह की YRF की तरफ से और बड़े बड़े मीडिया आर्टिकल की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट दे दी गई है। बाकी इसके बारे में जी हां दोस्तों, आज के दिन 14 जनवरी आज के दिन ही होने वाला है, बिल्कुल आप लोग सही सुने हैं, आप लोग फोटोज में भी देख लिए होंगे, जो YRF की तरफ से यह कहा गया है कि 14 जनवरी आज के दिन ही होने वाला है, तो पूरी तरह से जश्न का माहौल है। और इस तरह की शानदार धमाल के लिए कहीं ना कहीं बॉयकॉट गैंग को बहुत बड़ा सदमा से गुजरना पड़ रहा होगा, हो सकता है तो एक दो लोग तो जहां तक कोमे में भी चले गए होंगे, इस तरह की उनकी स्थिति आ गई होगी। और इसको लेकर बहुत ही गजब का भाई भयावह रूप देखने को मिल रहा है। जी हां, हर जगह भाई धूम धड़ाके और ट्रेंड चल रहा है, पठान फिल्म के रिलीज डेट भी बहुत नजदीक है, 25 जनवरी के दिन फिल्म रिलीज हो रही है। वेल, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं पठान मूवी को लेकर, पूरी तरह से क्रेज हाई लेवल तक चल गई है। जी हाँ, नेक्स्ट लेवल का जो क्रेज होता है वहां तक चल गई है। वेल, पठान मूवी का ट्रेलर जो धमाल मचाएगी बुर्ज खलीफा पर, जिसका लाइव वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और एक अपडेट ये भी दे दूं कि मैं जो भी अपडेट आता है, जो भी जहां तक सूत्रों से रिपोर्ट आता है, मैं आप लोग को पहले ही अपडेट देकर जानकारी दे देता हूं, जो 99% रियल न्यूज होता है, जी हां पूरी तरह से कंफर्म होता है, तभी मैं आप लोग को अपडेट देता हूं। इसके साथ ही आप लोग को जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आप लोग को बताता रहूंगा सबसे पहले, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ।